हसनैन कभी बोलता नहीं है, मगर आज हसनैन बोलेगा। ग्लिसरीन से है, वो ग्लिसरीन से है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टली होता है सबकी लाइफ में होता है, पर ये पार्टली है, थोड़ा सा है ऐसा सबकी लाइफ में होता है। और वो जो आंसू है वो ग्लिसरीन से है। अभी पैस करेगा अभी तो हम लोग का तो अच्छा लगेगा। तो अभी हम लोग तो बोलेंगे आवेश भाई, आवेश नाम खा के आए थे इसलिए इनको ये सब याद है। नाम के अदनान के मंच पे जाएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो किया है, कुछ अलग है। गॉड ब्लेस यू और ऐसे ही रखेंगे। बहुत नीचे बात कितना इतना तो हम लोग फर्स्ट हम लोग का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ था तेरे से यार पे। हम लोग वीडियो बनाए थे बाइक पे, ट्रिपल ट्रिपल सीट घूम के। वो टाइम पे ना हम लोगों के ना यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर भी नहीं थे, मतलब जो हिसाब से वो 55 मिलियन दिया है। छोटा कभी कभी बोलने वाला था मैं, उतने में आपने बोल दिए। इंटेंस लुक, दर्द भरा, इसे बड़ा हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हो पाएगा। स्टोरी बहुत अच्छी लगी हम लोगों को, और स्टोरी में तो अदनान ने पूरा मतलब एफर्ट डाला 50%, जो हिसाब से पहले हम लोग को आगे स्टोरी बता रहा था। हाँ, शूट भी बहुत अच्छा किया है, इसी की स्टोरी है। पार्टली, मिलती जुलती, पार्टली, थोड़ी मिलती। और इन लोग को गाना रिलीज होने से पहले जब गाना लॉक हुआ था वो टाइम पे इन लोग को मैं कहीं पे भी ट्रैवल करते थे कार से, तो मैं बार बार प्ले करके इन लोगों को मैं बताते रहता था कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके लिए ये लाइन के लिए ये सीन है, ये लाइन के लिए सीन है, यहां गया था, वहां गया था। बहुत अच्छा शूट हुआ। शूट के टाइम भी बहुत सारे अदनान के वीडियोस वायरल हो गए थे दरगाह। हां बहुत हो गए थे, मतलब लोग सोच रहे थे कि वो लड़की कौन है। हां, किसको फोन दिया इसने, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। मगर अभी सबको खुलासा हो गया कि वो वीडियो सॉन्ग का। खुफिया राज, खूबी, खूबिया बोलेगा मेरे को लगा, खुफिया राज बोल, खूबी बोल, खूबी। अदनान के अंदर खूबी है, सब टैलेंट, सब कर लेता है, सब टैलेंट है, टैलेंट बहुत है। डांस भी कर लेता है, ये जिम भी कर रहा है, ये गाना भी गा रहा है, गाना अच्छा सिंगर है, मुझे बोलता है कि मैं अच्छा गाता हूँ। और बहुत सारी खूबी है, कितनी बताइए, बहुत है, ख़त्म नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच
आप इतना प्रेशियस टाइम निकाल के मेरे लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा होता ही है, अदनान में ना हमेशा थोड़ा थोड़ा सब लोग लेट हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो सफाई यहाँ से चालू होगी, सफाई यहाँ से चालू होगी क्योंकि लोनावला गया, क्योंकि मैं लोनावला गया था, मेरे से पहले आ चुके हैं और मैं, चलो चलो कोई बात, उसका भी बर्थडे था ईशान का आज, तो हम लोग वहाँ पे, वो ऐसे थोड़ा लेट हो गया सेम, और डायरेक्ट लोनावला से एक केक मंगा लेंगे, नहीं ऊपर बहुत अच्छा सॉन्ग आने वाला है, एक वीडियो सॉन्ग है और बहुत ही जल्दी शूट होने वाला है, और सबका कैरेक्टर ना सब सबके ऊपर, सबके ऊपर डिफाइन था पर हमारे, हां अच्छा तेरा, सॉरी सर, चेकू भी ना लोग लोग ले चाहे, एक और म्यूजिक वीडियो आ रहा है, एक इसका आ रहा है और एक और ग्रुप सॉन्ग आने वाला है बहुत जल्दी जो शूट होने वाला है, जिसमें हम लोग पाँचों दिखेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है वो, और लोगों की जुबान पे आएगा, आप लोग के कदम नहीं रुकेंगे वो गाने डांस करने लगे, नहीं डांस करने लगोगे, मैं गाना सुन के थोड़ा कम बोलता है, थोड़ा शर्माता है, नहीं मैं इसकी बात का पूरा कंप्लीट कर रहा था सेंटेंस, होएगी पार्टी तो अभी हुई नहीं है, कल है यार, आप लोग को जरूर आना है, 10 मिलियन की पार्टी है और बहुत ही खुश है हम लोग की इंडिया का फर्स्ट इन्फ्लुएंसर मेल इन्फ्लुएंसर, फर्स्ट मेल इन्फ्लुएंसर, नहीं मैं तेरे बारे में बोला सर, तो बहुत ज़्यादा खुश है हम लोग की, हम लोग के ग्रुप से है जो मेल इन्फ्लुएंसर 10 मिलियन छोटे छोटे क्लिप वायरल होंगे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है कि हम लोग की टीम में, हम लोग की टीम का एक मेंबर जो 10 मिलियन क्रॉस कर चुका है, क्रॉस किया है, सो बहुत प्राउड फील करते हैं हम लोग इसके ऊपर और बहुत आगे जाएगा, मे अल्लाह ब्लेस यू, तुम और आगे जाओ और जो तुम चाहते हो वो अचीव करो, माशाल्लाह, थैंक यू, आसिम शहनाज सिद्धार्थ मेरे हिसाब से ये तीन ही रहेंगे मेरे हिसाब से, हाँ सेम सेम, पहले तो शहनाज बहुत क्यूट है, हाँ बहुत अच्छे हो, उसकी बात ही बहुत क्यूट है, और सिद्धार्थ भाई की बात है तो वो भी बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, पर थोड़ा ज्यादा देखता है बिग बॉस, हां मैं बहुत देखता हूं, इन्होंने भी अच्छा खेल रहे हैं, बता रहे लोग सभी अच्छा खेल रहे हैं, सब अच्छा खेल रहे हैं, आसिम भी बहुत अच्छा खेल रहा है, आसिम भी बहुत अच्छा खेल रहा है, मतलब वो जो हिसाब से खेल रहा है ना वो एकदम नेचुरल लग रहा है, हां पर है वो नेचुरल, क्या आ रहा है टॉप 3 में, मतलब है वो पक्का है टॉप 3 में, हम लोग के हिसाब से सिड शहनाज और आसिम, ये तीनों में बैटल होगी आगे, समीर सर इन द हाउस, थैंक यू सो मच समीर सर, आओ ना समीर सर, आइए सर, आओ सर, आओ आओ हम लोग तो उतना नहीं फॉलो कर रहे शो को, पर जितना फॉलो कर रहे हैं हम लोग उतना बताया, अभी ज़्यादा देखते तो हम लोग बता सकते थे, हाँ ऐसा स्पेस देख रहे थे तो बता सकते मूड चैनल पे मूड एप्लीकेशन को हैंग करने में फुल हम लोग और कर दिए थे, और हो गया था, और हो गया था, हाँ वो हैंग हो गया था, हो गया ये मैन अंदर है, मतलब जो भी घट, थैंक यू सो मच, व्हाट्सएप बहुत गर्मी लगी सर, बढ़िया आप मौसम, सेवन सीज में घूम रहे हो, सेवन सीज में घूम रहे हो, सुन ना शंटे ही ना बस कम था ना, आई थिंक दिस यू वांट टू सर्व फॉर द पिक्चर, हां जब भी मैं सागर सर आज फोटो खिंचा रहे हैं, सागर सर फर्स्ट टाइम फोटो निकाल रहे हैं, क्योंकि वो मेरे शाही में आधा चेहरा दिखा रहे हैं, देखिए छपती नहीं है ना इसलिए सर, अभी जरा बहुत सारा काम है, बदनामों के नाम हो गया अदनान बदनाम, एकदम टाइमिंग है, या आई मीन If all of you have seen the video, video बहुत अच्छी तरह निकला है, बहुत अच्छा वीडियो बनाए, और इसमें अदनान का बहुत खास हाथ है, इसने शेयर किया होगा कि वीडियो की डायरेक्शन में इसके बहुत सारे आइडियाज़ हैं,
और हमें इसकी भी बहुत खुशी है कि जो हमने रिसेंटली एपिक फैम जैम किया था उसकी भी काफ़ी शॉर्ट्स इसमें है, जो स्टोरी उससे काफ़ी निकल रही है, तो हमें बहुत खुशी हुई कि वो भी इट्स एडेड टू द होल वीडियो. एंड हार्टेस्ट कॉन्ग्रेट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर सक्सेस एज ऑलवेज. थैंक यू सो मच समीर सर, सागर सर, टीम, क्योंकि बहुत कोऑपरेट किए और एपिक फैम जैम का फुटेज दिए हम मुझे और हमेशा हम लोग के लिए रहते हैं, हम लोग के लिए खड़े रहते हैं. सो थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. You can see the depth in acting that he's shown at such a young age, right? The role was a complex role, it was not an easy role to do. So I think he's come off really, really good. And I mean, this is just the start. So there's much more to go. And if he makes choices like this, I think he's just going to reach this. So it's Tazi. Inshallah. 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 Amazing. Okay. Thank you. जी मैंने सुना, मुझे बहुत पसंद आया और जितना गाना पसंद आया वो उतनी मुझे वीडियो भी पसंद आई. बहुत अलग फ्लेवर आ रहा है वीडियो में, यू नो आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी अलग है जो हम वीडियोस आजकल देख रहे हैं उससे. तो आई पर्सनली लव्ड इट. हाँ आई थिंक वो थोड़ा मिला रहे हैं लोग उसको, बट आई थिंक अदनान हैज़ एक्टेड रियली वेल. मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी स्टोरी है और उनको परफॉर्म करने के लिए मिला आई थिंक, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि एक एल्बम में मोस्टली आपको इतना कुछ मिलता नहीं है अपने स्किल्स दिखाने के लिए, एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए, बट इसमें उनको पूरा मौका मिला और आई थिंक उन्होंने पूरा जस्टिफाई किया उसको. सो या मुझे भी बहुत अच्छी लगी एक्टिंग भी और जो एल्बम है वो भी. सो क्या बोले, बिकॉज पहले अदनान भाई की कोई मतलब कि इतनी मतलब कि इंटेंस वाली एल्बम आई नहीं है, तो पहली ये आई है और बहुत अच्छी लग रही है. आई नो मेरा तू आशिकी का टाइटल राहुल ने गाया था और आप सब जानते हैं वो टाइटल को कितना पसंद किया था तू आशिकी के लोगों ने. और बस आई एम वेरी वेरी हैप्पी जब मैंने नाम पढ़ा कि उन्होंने गाना गाया था, आई वाज रियली हैप्पी. एंड या सो वी हैव कम टू विश देम ऑल द बेस्ट. हाँ जी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और सारे अपडेट जैसे हम आपको देते रहते हैं वैसे देते रहेंगे. एवरीथिंग कमिंग वेरी वेरी सून. एंड जिस तरह से आप लोग इतना प्यार देते हैं और हमेशा आते हैं हमें विश करने के लिए, वी रियली होप कि उसमें भी आएँ. दैट्स इट. थैंक यू. राम जी का नहीं, नहीं हमने राम जी का गाना नहीं किया है इस बार. इस बार उनका गाना नहीं किया. बस तू इंशाल्लाह. थैंक यू. मेरी गाड़ी. पीछे देखो यार पहले. हाँ बोलो. सॉरी कबीर सिंह सेम वन वर्ड आंसर कबीर सिंह. पूरा वाइब दे रहा है कबीर सिंह का. एंड अदनान शाहिद लग रहा है. हाँ अदनान बहुत मस्त लग रहा है. एकदम रॉ सा कुछ नया सा चीज आया है, जैसे क्लासी म्यूजिक वीडियो से हटके कुछ रियलिटी की तरफ. काफी हाँ जैसे भावना काफी रियल लग रहा है. काफी रॉ लग रहा है ये, है ना. एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है. अरे ये बहुत अच्छा गाते हैं यार, बहुत अच्छा. मैंने इससे पहले नहीं सुना था, लेकिन ये सुन मैंने नहीं सुना था, बट इसके बाद आई लव हिज वॉइस. कभी साथ कभी काम करने का मौका मिले तो अच्छा है. अच्छा पुलवामा अटैक वो हमारे लिए तो फॉर श्योर एक ब्लैक डे है. तो हम सेलिब्रेशन का दिन तो फॉर श्योर नहीं है. तो उस दिन हम ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट हमारे इंडिया के सोल्जर्स के लिए. तो ऐसे ही कुछ वीडियो बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं. उसके अलावा ये भी है और उसके अलावा हम कहीं जा रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट जगह. अच्छा
हाँ इज इट अच्छा बस यार बस हमारे माँ बाप का करम है कि हमें इतने अच्छे फैंस मिले इतने मतलब इतना प्यार करते हैं मोर देन हमारी मेहनत आई गेस हमारा लक और हमारे फैन का जो प्यार लग बहुत कम है बट फैंस हमारे फैंस हमें। का प्यार है लाइक हर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं सपोर्ट किया हमें इतना सपोर्ट करते हैं और हर जगह बूम करते हैं हमें तो बस अ बिग शाउट आउट टू आवर फैंस थैंक यू सो मच आज हम तीन तिगाड़ा को एक साल कंप्लीट हुआ है हाँ पिछले साल आज ही के दिन थैंक यू सो मच पिछले साल आज ही के दिन हम तीनों मिले थे और कभी सोचा था कि ऐसा होगा ये हम अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं सब फैंस लोगों को बोलने के लिए कि गाइस थैंक यू आप हो तो हमें ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिएगा तो बस टिकटॉक यूट्यूब ही नहीं हम और बहुत ही चीजों में आपके लिए ट्विटर फेसबुक और सिर्फ सोशल मीडिया नहीं और बहुत चीजों में आपको दिखेंगे हम बस ऐसा ही प्यार करते बस वी लव यू बस इतना बोला हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं तीन तिगाड़ा लव रुलाके गाइस को आप फैंस ने इतना बड़ा हिट बनाया इसलिए हमने एक दो और म्यूजिक वीडियोज आने वाले हैं तो हम शूट कर चुके हैं ऑलरेडी और रोने के लिए वापस तैयार रहिए और इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दिएगा बस यही उम्मीद है नहीं नहीं एक इवेंट था WPP स्ट्रीम करके जो जयपुर में था तो वो हमने एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साथ में अटेंड किया था तो फैजू ने एज अ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड मी एज अ टिकटॉकर तो अटेंड किया था तो वहाँ पे जब हम लोग मिले तो कोलैबोरेट किया दैट्स इट तो बड़ी राय मेरा वो तो एस ऑफ स्पेस का था ना लेकिन कौन आशीष सुलसुला में था नहीं एस ऑफ स्पेस में था वो आशीष सुलसुला में था वो ये नहीं देखता है कुछ वापस पूछना है अच्छा वो क्या कहते हैं वो वापस कट 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 अच्छा मुझे बताओ वो कौन सा वो जो अभी जिनसे बात हो रही थी वही अच्छा वो आओ मेरा विला में बड़ी है वापस 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 हम लोग ने बहुत चिल किया है विला में मैं वैसे बहुत शांत रहता था विला में लेकिन कैमराज पे तो काफ़ी शांत रहता था लेकिन ऑफ कैमरा हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था तो शांत रहता हाँ नहीं मेरा मुझे बस एक ही बार किसी ने उंगली की थी जो मैंने जवाब दिया था बाकी तो मैं बहुत ही शांत था विला वैसे तो ये बिल्कुल भी शांत नहीं रहता वैसे जनरली वहाँ पे कोई दोस्त नहीं था दोस्त थे मेरे दो हैं जिंदगी में तो वहाँ पे मेरी जान लोग नहीं थे आशीष और मैं बहुत चिल करते थे विला में थैंक यू सो मच आप नहीं ले रहे किशन